दोस्तों स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे ओडीआई मैच की। पहला मैच टीम इंडिया जीत चुकी है 8 विकेट से और 1-0 से जो है इस सीरीज पर लीड कर चुकी है। और दूसरे ओडीआई की अगर बात करें तो 14 जुलाई को ये मैच होने वाला है और आपको बता दें कि लॉर्ड्स में ये मैच होगा और एक बहुत ही ऐतिहासिक ग्राउंड है लॉर्ड्स का। बात कर लेते हैं दोनों ही टीम के प्लेइंग 11 की और सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया की। लगभग से जो है सेम प्लेइंग 11 आपको इस मैच में भी दिखाई देने वाली है, जहां पर ओपनिंग करेंगे रोहित मैन शर्मा शिखर धवन के साथ। तीसरे नंबर पर होंगे दोस्तों विराट कोहली, चौथे नंबर पर होंगे केएल राहुल, उनके बाद आएंगे सुरेश रैना, उनके बाद होंगे विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी और सातवें नंबर पर होंगे हार्दिक पांड्या। तो यहां तक जो है बैटिंग लाइनअप होगी टीम इंडिया की, काफी अच्छी और डीप बैटिंग लाइनअप है। बॉलर्स की अगर बात करें तो सिद्धार्थ कौल होंगे, उमेश यादव होंगे और स्पिनिंग जोड़ी होगी युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की। तो काफी अच्छी प्लेइंग 11 है टीम इंडिया की। चेंज की अगर बात करें तो अगर भुवनेश्वर कुमार फिट हो जाते हैं तो सिद्धार्थ कौल की जगह पर वो आपको प्लेइंग 11 में दिखाई देंगे। अभी तक कोई भी न्यूज नहीं है भुवनेश्वर कुमार की। अब बात करें दोस्तों टीम इंग्लैंड की, तो टीम इंग्लैंड जो है अभी भी अपना बेस्ट प्लेइंग 11 ढूंढ रही है। काफी बड़े बड़े बदलाव जो है दोस्तों वो प्लेइंग 11 में कर रहे हैं और ऐसे में परफेक्ट प्लेइंग 11 प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। बात करें प्लेइंग 11 की तो जॉनी बेस्टो और जेसन रॉय आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। उनके बाद यहां पर होंगे दोस्तों जॉय रूट, उनके बाद कप्तान इयन मॉर्गन, उनके बाद होंगे बेन स्टोक्स, उनके बाद होंगे जॉस बटलर और सातवें नंबर पर यहां पर हो सकते हैं मोइन अली। बॉलर्स की अगर बात करें तो डेविड विली, लियम प्लंकेट, आदिल रशीद और मार्क वुड, ये प्लेइंग 11 जो है हमें दिख सकती है। लास्ट मैच में भी सेम प्लेइंग 11 थी। अब बात करें दोस्तों चेंजेस की तो यहां पर जेक बॉल को मौका मिल सकता है, जिन्होंने T20 में काफी अच्छी बॉलिंग कराई थी, उन्हें जो है यहां पर मौका मिल सकता है किसी भी एक फास्ट बॉलर की जगह पर। दोस्तों इनके पास एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है सैम करन के रूप में, जो कि एक बहुत ही अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर है, और अगर इनको लाती है टीम तो मोइन अली को जो है टीम से बाहर जाना पड़ सकता है। तो ये प्लेइंग 11 हो सकती है इंग्लैंड की। इंडिया की भी हमने बात कर ली, अगर इंडिया इस मैच को जीत जाती है तो दोस्तों ये सीरीज इंडिया के हाथ में हो जाएगी। T20 सीरीज पहले से ही टीम इंडिया के पास है और ऐसे में जो है बहुत ही अच्छी बात होगी ये टीम इंडिया के लिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा ये मैच, आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।